हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोगों का जो है वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह 9 बजे से। और अभी आ चुके हैं जहाँ पे हमने आज घास काटना है वहाँ पे। और आप लोगों ने इससे पहले वाले ब्लॉग्स में देखा होगा कि जो हमने आधा घास यहाँ पे काट लिया है, और जो है आज यहाँ पे थोड़ा सी घास रह रखी है हमारी, तो आज हम इसको काटने वाले हैं। और ये जो घास है इतनी सी रह रखी है अभी, थोड़ा उस साइड है, तो आज ये जो घास है ये फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम भी पहुंच जाएंगे अपने घर के नज़दीक में ही, हमारा घास है तो वहाँ पे पहुंच जाएंगे आज 1-2 घंटे के बाद। तो अभी जो है ये घास काट लेते हैं इसको। और जो आज का वेदर हो रहा है, धूप लग रही है, देख सकते कितना सुंदर सा व्यू हो रहा है, एक भी बादल आज नहीं दिख रहे। और नीचे जो है करण और यहाँ पे घास काट रहे हैं आज। और अभी जो है पहले ये घास काट लेते हैं और उसके बाद जो है उधर चलते हैं जब तक ये घास कटता है। अगर आप लोगों ने जो है इससे पहले वाले जो हमारे ब्लॉग्स हैं वो नहीं देखे हुए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सभी ब्लॉग्स हमारे देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो चैनल है हमारा ये एजुकेशन वाला है, बट अभी जो है मैं गाँव में हूँ तो इसीलिए जो है आप लोगों के लिए ब्लॉग्स लेके आ रहा हूँ। बट बाद में जो है इस पर जो है जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है उसी से रिलेटेड आपको वीडियो दिखाई देने को मिलेगी। तो चलिए अभी जो है ये घास काट लेते हैं पहले। और दोस्तों, अभी जो है हम जो उधर की घास थी उसको काट के मैं आ चुका हूँ, और वहाँ से जो है 3-4 पू मैं इधर लेके आ रखा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो घास थी वो गधेरे में थी। तो जो घास मैं लाया था यहाँ पे वो ये रही, देखिए यहाँ पे ये बांध के लाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है उसको रख दिया अभी, क्योंकि जो वो घास है वो गधेरे में है, तो जब उसको बांधेंगे तो उधर गधेरे में जाना पड़ेगा, इसलिए उस घास को हम यहाँ पे ले आए। और अभी जो है हमको यहाँ से काटना शुरू करना है। ये हमारी घास है पूरा, ये घर के बगल में ही हमारी ये घास है। और अभी जो है दोस्तों टाइम हो रहा है 11:30, तो हमने जो है वो घास जो है करीबन 1.5 घंटे में काट दी। और अभी जो है जो मौसम हो रहा है, देखिए एक बार यहाँ से सुंदर सा व्यू आ रहा है, और इस साइड देखिए बादल लगे हुए हैं इस साइड, और अभी जो है इस साइड पूरा जो है धूप लग रही है। और अभी जो है दोस्तों पहले अभी जो थोड़ा छाव हो रही है, तो यहाँ पे भीमल का पेड़ है तो इसके नीचे बैठा हुआ हूँ। और अभी जो है फिर से ये देखिए यहाँ पे एक फल लग रखे हैं, ये इनको खाते हैं, ये अगर ये पक जाते हैं, अभी हरे हो रखे ये। और यहाँ और ये जो फल है उधर भी लगे थे हमारे, जहाँ पे हम घास काटे कल मैंने ये खाए थे, अच्छे हो रहे थे, बट थोड़ा थोड़ा खट्टे होते, सॉल्टी होते। और उसके बाद दोस्तों अभी जो मम्मी है वो उधर घास काटती है, तो अभी थोड़ी देर 5 मिनट यहाँ पे रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद जो ये घास है उसको काटना शुरू करेंगे। और अभी जो है 1 घंटा ये घास काटेंगे, उसके बाद जब 12:30 हो जाएंगे तो घर पे जाना है फिर। आज तो घर के बगल में ही है, तो इसके बाद घर जाएंगे और घर पे जाके खाना बनाएंगे। तो चलिए अभी जो है ये घास जो है इसको। और दोस्तों अभी हो चुके हैं 12:20, और मैं जा रहा हूँ अभी घर को खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे जो घास थी यहाँ पे वो काट दिया वहाँ तक मैंने, और अभी जो है चलते हैं घर पे, और घर पे जाके बनाना है खाना। और पहले जो है नहाने जाना है, तो पहले नहाने जाएंगे उसके बाद जो है खाना बनाएंगे। और यहाँ पे जो है अभी ईजा जो है घास काटती है, और वहाँ तक मैंने काट दिया है यहाँ से, तो अभी चलते हैं घर पे सीधे और चलते हैं नहाने, और भैंस को भी घास देना है, और जो है चलिए नीचे चलते हैं अब। और अब मैं जा रहा हूँ घर को, और यहाँ पे जो ईजा है वो वहाँ से घास काट के भी लाई थी, तो यहाँ पे जो है ये घास रखा है, तो इसको जो है मेरे को लेके जाना है, भैंस को भी घास देना है। तो चलिए अभी मिलते हैं आप लोगों को घर पे। और अभी जो है भैंस को घास दे दिया, और जो मुर्गियाँ हैं उनको भी बाहर भगा दिया है मैंने। तो सबसे पहले अभी जाना है नहाने के लिए जाएंगे अभी, और उसके बाद बनाएंगे खाना आज, क्योंकि अभी जो है आज हमें बनानी है खिचड़ी। और पहाड़ी में जो है जो पुलाव होता है उसको हम जो है खिचड़ी बोलते हैं, तो आज हमें वो बनाना है। और साथ ही में जो मम्मी है वो आजकल चावल खाने नहीं है, तो मम्मी के लिए जो है ईजा के लिए जो है हम आमलेट बनाएंगे अंडों का। और यहाँ पे जो हमारी मुर्गी है, एक हमारी मुर्गी जो है उसका जो है पैर में लगी हुई है, तो ये हमारी वो मुर्गी है, इसके पैर में लगी हुई है, और अभी जो है ये पानी पी रही है। तो चलिए अभी चलते हैं पहले नहाने, और उसके बाद खाना बनाएंगे, फिर आप लोगों को। आज तो शाम को जो है हमको घास बांधने नहीं जाना है, आज यहीं पे जो है हम शाम को घास काटेंगे,
तो आज घास बांधने के लिए नहीं है, क्योंकि अभी सुबह सुबह ही हमने वहाँ पे जो है घास काटा है, जहाँ पे आपने देखा होगा आज हमें घास काटते हुए। तो कल वो घास सूखेगी, तो उसके बाद शाम को हम उसको बांधेंगे। तो चलिए अभी नहाने चलते हैं सबसे पहले, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं शाम को जब हम ऊपर घास बांधने के लिए मैं जाऊँगा। नहीं, आज तो काटना है तो काटने के लिए जाएंगे जिस टाइम, उस टाइम आपको मिलते हैं अभी। और दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 5, और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी लेट में जो है मैं जो है यहाँ पे खेत में क्यों आया हूँ। बट मैं आपको बता दूँ कि पहले ही मैं जो है खेत में आ चुका हूँ 3 बजे, बट जो है जो मौसम है दोस्तों बहुत ही ख़राब हो रहा है। तो जो पहले जो है टाइम नहीं लग पाया वीडियो बनाने का, क्योंकि जो हमने यहाँ पे सुबह घास काटी हुई है वो घास भी हमने जो है बांध दिया है, क्योंकि अभी जो मौसम है वो ख़राब हो रहा है बहुत, और बारिश आने के चांसेस हैं। और अगर बारिश आएगी तो जो घास हमने कल काटी हुई थी वो जो है सड़ जाएगी। तो अभी जो है वो घास हम बांध रहे हैं और बांध दी है, और यहाँ पे सारी घास जो है इकट्ठा कर दी हमने। ये आज सुबह की घास है तो इसको सबसे ऊपर से रखेंगे, और ये घास कल जो हमने काटी थी सुबह ये वो वाली है, और ये वाली परसों शाम वाली है। और ये देख सकते हैं ये आज सुबह काटी हुई घास है, ये अभी हरी हुई है। तो अभी जो है ये जो घास है इसको अभी जो है ऊपर से रखेंगे सूखे, और अगर लगता है अगर ये ऊपर से रखेंगे अगर लगेगा कि सूख जाएगा ये, तो इसको यहीं पे लगा देंगे, वरना इसको जो है हम उधर लेके जाएंगे। आप लोगों को मैंने दिन में दिखाया था जहाँ पे हम घास काटे थे वहाँ पे लेके जाएंगे, वरना इसको अभी हम, और एक बार आपको जो है अभी मौसम दिखा देता हूँ 5 बजे का, क्योंकि अभी जो है दोस्तों सुबह आपने देखा होगा कि जो मौसम जो था एकदम खुला हुआ था, और जो है बारिश आने के चांसेस नहीं थे। और अभी जो है जो आसमान में जो है बादल ही बादल हो गए, काले बादल हो गए पूरे सुबह जो है। मैंने आपको आसमान भी दिखाया था कि कोई भी बादल आज जो है दिखाई नहीं दे रहा है, बट अभी आपको दिखाऊंगा कि जो पूरा आसमान है उसमें जो है पूरे काले ही काले बादल हो गए, जिस कारण जो है हमें ये आज जो घास हमें काटी थी वो घास हमें बांधनी पड़ रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आसमान देखिए कितना अभी जो है काला हो गया, और फुल चांसेस है कि जो है बारिश हो सकती है। और इस साइड कहीं कहीं पे जो आसमान है वो खुला हुआ है, और इस साइड देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो यहाँ पे आसमान है पूरे काले बादलों से घिर गया अभी। और यहाँ पे 50% जो है चांसेस है कि बारिश हो सकती है, क्योंकि अभी जो है श्राद्ध भी लगे, तो श्राद्ध में दोस्तों जो है बारिश होती है, पहाड़ों में कहते हैं कि श्राद्ध में बारिश होती है कभी कभी, तो मे बी जो है आज रात या कल जो है बारिश हो सकती है। इसीलिए हम लोग जो है सभी लोग, हम ही नहीं, जिन लोगों ने कल घास काटा है अगर घास सूखा भी है और नहीं भी सूखा है तब भी उन लोगों ने जो है घास बांध लिया है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे कल जो काकी यहाँ पे घास काट रही थी उनका भी देखिए यहाँ पे सू लग चुका है। अभी मैंने ही उनको जो है घास दिया था, क्योंकि वो भी अकेले यहाँ पे घास बांध रहे थे, तो मैंने उनको घास दिया यहाँ पे सू लगाते हुए, तो उनका सू यहाँ पे लग चुका है अभी। और ये है हमारा रोटू ढैया, और देख सकते हैं अभी शाम के 5 बज रहे, और पहले आपने देखा होगी जब 5 बजते थे तो यहाँ पे इस साइड जो है धूप रहती थी, आज मौसम खराब होने के कारण जो है जो धूप है वो भी नहीं दिख रही है अब, तो फुल यहाँ पे चांसेस है कि बारिश हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ईजा है यहाँ पे जो ये हम स्कूल लगाने वाले हैं, तो उसके नीचे जो है ये देखिए यहाँ पे टहनियाँ वो काट के रख रही है अभी। तो अभी जो है मैं घास देने वाला हूँ, उसके बाद हमें जाना है उस साइड जो है हम घास है उस साइड काटना है, नहीं काटना है अभी टाइम बचेगा तो उस साइड काटेंगे, अगर टाइम नहीं बचेगा तो वहाँ पे जो घास है वो कल काटेंगे अगर बारिश नहीं हुई तो। तो चलिए जब हम घर को जाएंगे, जब हमारा इशू लग जाएगा उस टाइम आपको दिखाता हूँ अभी। और दोस्तों जो हमारा यहाँ पे घास था उसका जो है हमने सू लगा दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सू लग चुका है। बट यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे हमारी जो हरी घास थी ये इसको हम उधर लेके जा रहे हैं अभी, तो ये जो ये घास अभी घर के लिए काटी हुई है ईजा ने, तो इसको भी इसी में रख के मेरे को लेके जाना है उधर जहाँ पे हम घास काट रहे हैं, वहाँ पे जो हमने सुबह घास काटी हुई है उसको वहाँ पे रख देंगे, और जो भैंस के लिए घास है उसको लेके जाएंगे घर पे और भैंस खाएगी उसको। तो चलिए अभी चलते हैं उधर, और आप लोगों को अभी उधर दिखाते हैं कि सुबह कितनी घास कटी है। और दोस्तों अभी बच चुके हैं 5:40, और जो मैं घास उधर थी उसको लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, ये रख दिया। तो अभी जो है मेरे को जो है यहाँ पे घास काटनी है, यहाँ से मैं घास काटना शुरू करूँगा। और यहाँ पे जो है जो सुबह जो थी हमने जो घास काटी हुई थी, तो यहाँ पे वो जो घास है वो देख सकते हैं आप, यहाँ पे इतनी घास हमने यहाँ पे काट दी थी। तो अभी आप लोगों को जो है एक बार जो आज का मौसम है कि कैसा वेदर हो रहा है गांव में, यहाँ से आपको जो है गांव दिखाता हूँ, क्योंकि हम गांव के ऊपर
पर ही जो है घास काट रहे हैं अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर सा व्यू आ रहा है। चुके हैं शाम के 7 और मैं आ चुका हूँ घर पे। और घर पे आके जो है मैंने अभी जो है खाना जो है सब्जी बना दी है, यहाँ पे देख सकते हैं यह पहाड़ी चूल्हा। और यहाँ पे अभी इसमें जो है सब्जी रखी हुई है मैंने। और यहाँ पे आज हम जो है छीमी का साग बना रहे हैं। और आई डोंट नो कि हिंदी में जो है छीमी को क्या कहते हैं, तो छीमी कहते होंगे वैसे भी पहाड़ी में, अगर छीमी कहते हैं तो हिंदी में पता नहीं है मेरे को क्या बोलते हैं। बट आज हम जो है छीमी की सब्जी बना रहे हैं। और दोस्तों आज का जो ब्लॉग है इसको यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग जो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और अगर आपने जो है हमारे जो अदर्स ब्लॉग है वो भी नहीं देखे हुए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जो है सारे ब्लॉग्स देख सकते हैं। या तो आपको साइड में यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इस पर क्लिक कर लीजिए और सारे ब्लॉग्स आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।